नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 10,000 वन लाइनर प्रश्नों का भाग 21वां, जिसमें हम आज 100 प्रश्न यहां पर कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि आपकी सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो वीडियो को बिना कोई स्किप किए पूरा ज़रूर देखें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर है अपना 2001 में चंबल घाटी परियोजना किन दो राज्यों में स्थित है। चंबल घाटी परियोजना किन दो राज्यों में स्थित है? तो यह है मध्य प्रदेश तथा राजस्थान राज्य में। मध्य प्रदेश तथा राजस्थान राज्य में स्थित है चंबल घाटी परियोजना। अगला प्रश्न, जैनों के अनुसार महावीर किस नंबर के तीर्थक थे? ठीक है, जैनों के अनुसार जो महावीर स्वामी थे वह 24 नंबर के 24वें तीर्थक हुआ करते थे। कौन थे? 24वें नंबर के तीर्थक थे। अगला प्रश्न, यदि लाल फूल को हरे शीशे में देखा जाए तो वह हमें कैसा दिखाई देगा? यदि लाल फूल को हम हरे कांच में देखें तो वह हमें कैसा काला दिखाई देगा? वह हमें काला दिखाई देगा। अगला प्रश्न, विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में? तो अपने देश भारत देश में होता है। अगला प्रश्न, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। अगला प्रश्न, धोने वाले सोडे का जो रासायनिक नाम है वह है सोडियम कार्बोनेट होता है। अगला प्रश्न, लाल प्रकाश में किसकी तरंग दैर्ध्य की अधिकता होती है? तरंग दैर्ध्य की अधिकता होती है। अगला प्रश्न, बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व कैसा होता है? तो वह होता है उच्च होता है। कैसा उच्च होता है? बर्फ से उच्च होता है। ताप मापने की ऐसा इकाई क्या होती है? ताप मापने की ऐसा इकाई होती है केल्विन। केल्विन होती है। अगला प्रश्न, ध्वनि की क्षमता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की जो क्षमता है वह उसकी आवृत्ति पर निर्भर करते उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। बेगम अख्तर का संबंध किससे है? बेगम अख्तर का संबंध है गायन से। किससे है? गायन से संबंधित है। अगला प्रश्न, किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका जो भार है उस पर क्या परिवर्तन आएगा? किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर जो उसका भार है वह क्या हो जाएगा? वह भार घट जाएगा। अगला प्रश्न, किसी 14 तकनीकी पद्धति का प्रयोग किस लिए किया जाता है? C40 तकनीकी पद्धति का जो प्रयोग है वह यह जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न, डॉक्टर सीवी रमन किस क्षेत्र में नोबल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? डॉक्टर सीवी रमन जी को किस क्षेत्र में नोबल पुरस्कार मिला था? तो वह मिला था भौतिक के क्षेत्र में मिला था भौतिक के क्षेत्र में मिला था और किस खोज में? तो प्रकाश के प्रकीर्ण के अध्ययन में मिला था। अगला प्रश्न, कि भारत में दास प्रथा किसके शासनकाल में बंद हुई थी? भारत में दास प्रथा का जो बंद है या अंत है यह हुई थी लॉर्ड एनबरो के शासनकाल में सन 1843 में। अगला प्रश्न, कि मानव बम विस्फोट से राजीव गांधी की मृत्यु कहां पर हुई थी? मानव बम विस्फोट से राजीव गांधी जी की जो मृत्यु है यह कहां पर हुई थी? तो श्री पेरुपुदूर में हुई थी। अगला प्रश्न, केनाई शब्द का संबंध किससे है? ठीक है, केनाई शब्द का संबंध है इस नूकर खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि फोर्थ स्टेट या चौथा स्तंभ का तात्पर्य क्या होता है? तो वह होता है प्रेस से होता है। चौथा स्तंभ या फोर्थ स्टेट का जो तात्पर्य है या संबंध है वह प्रेस से होता है। अगला प्रश्न, चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होता है? चंद्र ग्रहण कौन से दिन लगता है? तो पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण लगता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष है वह कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का अध्यक्ष।
अगला प्रश्न, मायोपिया का तात्पर्य किससे होता है? मायोपिया का जो तात्पर्य है वह होता है निकट दृष्टि दोष से संबंधित होता है, निकट दृष्टि दोष से संबंधित है। मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। क्या है? इम्फाल होती है। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी है वह है नील नदी। अगला प्रश्न, नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है? नेत्र रोग का जो चिकित्सक होता है उसके लिए क्या कहा जाता है? तो उसके लिए कहा जाता है ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहा जाता है नेत्र रोग चिकित्सक को। अगला प्रश्न, नागपुर नगर किस लिए प्रसिद्ध है? नागपुर नगर जो है यह संतरे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? शतरंज के जो बोर्ड होता है इसमें टोटल 64 वर्ग होते हैं। कंप्यूटर का आईसी चिप किसकी बनी हुई होती है? कंप्यूटर की जो आईसी चिप है वह किसकी बनी हुई होती है? तो वह बनी होती है सिलिकॉन की बनी हुई होती है। अगला प्रश्न, बेंगलुरु भारत का क्या कहलाता है? बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? तो बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारत में व्यापार प्रारंभ करने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? भारत में व्यापार प्रारंभ करने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो वह था पुर्तगाली। कौन था? पुर्तगाली था। अगला प्रश्न, ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है? ब्लैक पैगोडा कहाँ पर है? तो वह कोणार्क में स्थित है, कोणार्क उड़ीसा में स्थित है, कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में टोटल कितने? 15 न्यायाधीश होते हैं। अगला प्रश्न, लिखने की कला को सर्वप्रथम किसने विकसित किया था? लिखने की कला को सबसे पहले चीन ने विकसित किया था, चीन देश ने विकसित किया था। महमूद गजनवी के साथ कौन सा इतिहासकार भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ कौन सा अलबरूनी नाबक इतिहासकार आया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज 1498 में किसने की थी? तो वह वास्को डी गामा ने की थी, वास्को डी गामा में सन 1498 में की थी। अगला प्रश्न, मानव शरीर के संबंध में किसने पूर्ण विवरण दिया था? मानव शरीर के संबंध में पूर्ण विवरण किसने? तो वह हार्वे महोदय ने दिया था, हार्वे महोदय जी ने दिया था। फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी, 1789 में हुई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर कि कार्ल मार्क्स किस देश के निवासी थे? कार्ल मार्क्स जो थे वह जर्मन देश के निवासी थे। अगला प्रश्न, विश्व शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? तो वह सुरक्षा परिषद होते, सुरक्षा परिषद जिम्मेदार होती है विश्व शांति के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न, हिंदू विधवा पुनर्विवाह किस वर्ष पारित हुआ था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह यह 1856 में पारित हुआ था, 1856 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पर है अपना कि ब्रिटिश सांसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो उनका नाम है दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश सांसद के लिए चुने गए थे। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वह 1906 में की गई थी, सन 1906 में की गई थी। नेक्स्ट, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी नाइट्रोजन गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। अगला प्रश्न, कि सर्वाधिक मात्रा में भूपर्पटी पर पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वह है ऑक्सीजन तत्व, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कहाँ पर? भूपर्पटी पर। और वातावरण में क्या पाया जाता है? तो वातावरण में नाइट्रोजन पाई जाती है, कितनी? 78%, ठीक है, और ऑक्सीजन है 21% के लगभग, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, यूरेनियम सबसे अधिक कहाँ पर पाया जाता है? यूरेनियम सबसे अधिक कहाँ पर? तो है जादूगोंडा झारखंड राज्य में पाया जाता है। अगला प्रश्न, ठोस की शुद्धता बिंदु से प्राप्त होती है? ठोस की शुद्धता बिंदु जो है
वह कहाँ से प्राप्त होती है? तो वह गलनांक बिंदु से प्राप्त होती है, गलनांक बिंदु से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, न्यूट्रॉन एक किस प्रकार का कण होता है? न्यूट्रॉन जो है वह एक आवेशहीन कण होता है, आवेशहीन कण होता है। अगला प्रश्न, गोवा का शहर, ठीक है, गोवा का शहर जो पणजी है यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वह बसा है पांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत के आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत आज़ाद हुआ था सन 1947 में, इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। अगला प्रश्न, किन दो शहरों को जुड़वा नगर भी कहा जाता है? किन दो शहरों के लिए जुड़वा शहर या जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है? तो यह है हैदराबाद और सिकंदराबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर या जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन 2003 में कहाँ शुरू की गई थी? तो चालक रहित ट्रेन की शुरुआत 2003 में सिंगापुर में की गई थी। अगला प्रश्न, पहाड़ी पर चढ़ने वाले अपनी स्थिरता बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? तो वह आगे की ओर झुकते हैं, अपनी स्थिरता बनाए रखने के लिए आगे की ओर झुकते हैं। अगला प्रश्न, ध्रुव तारा एवं लघु सप्तर्षि किसका एक भाग है? तो वह तारा मंडल का एक भाग है। अगला प्रश्न, जीवाश्म की आयु किस पद्धति के द्वारा ज्ञात की जाती है? जीवाश्म की जो आयु है यह रेडियो कार्बन का निर्धारण से ज्ञात की जाती है। अगला प्रश्न, डीजल इंजन के किस शहर को बनते हैं? डीजल इंजन किस शहर में बनते हैं? तो वह वाराणसी उत्तर प्रदेश में बनते हैं। डीजल इंजन का निर्माण कहाँ पर? वाराणसी में होता है, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो वह कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न, मालप्रभा परियोजना किस राज्य में स्थित है? यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, अधिकांश मौसम घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं? अधिकांश जो मौसम घटनाएं हैं वह क्षोम मंडल में घटित होती हैं। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान को किस वर्ष अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। गैर कांग्रेसी सरकार वाला प्रथम राज्य है केरल राज्य, जहाँ पर प्रथम गैर कांग्रेस सरकार बनी थी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में सर्वाधिक लोकसभा सांसद सीटें हैं? तो वह है महाराष्ट्र राज्य में। अगला प्रश्न, नाभिकीय रिएक्टर्स के निर्माण में कौन सा तत्व अनिवार्य है? नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो वह है जार्कोनियम अनिवार्य होता है। अगला प्रश्न है अपना, मैथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? तो बुल एल्कोहल के नाम से जानते हैं। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, 7.4 होता है। अगला प्रश्न, भारतीय राज्य का सबसे कम कुल वन आच्छादित क्षेत्र कौन सा राज्य है? तो वह हरियाणा राज्य। अगला प्रश्न, पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व किस मंडल में पाया जाता है? तो वायुमंडल का सबसे अधिक जो घनत्व है वह कहाँ पर? तो वह क्षोम मंडल में पाया जाता है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो वह है लद्दाख क्षेत्र। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सरकारी भाषा है वह कौन कौन सी है? संयुक्त राष्ट्र संघ में अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी एवं स्पेनिश भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, सूर्य की विकृत ऊर्जा का कारण क्या है? सूरज की जो विकृत ऊर्जा है इसका कारण है उसमें नाभिकीय संलयन होता है।
अगला प्रश्न, फिल्म चोखर बाली के निर्देशक कौन है? फिल्म चोखर बाली के निर्देशक का नाम है ऋतुपर्ण घोष। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट होती है? तो वह विद्युत ऊर्जा की यूनिट होती है। अगला प्रश्न, भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो प्रथम राज्य है वह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राजवाड़ा भाषा के आधार पर गठित, वो भी सन 1953 में। अगला प्रश्न कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का अस्तित्व। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है? ट्रांसफार्मर का कार्य होता है उच्च एसी को निम्न एसी में बदलना, उच्च एसी को निम्न एसी में बदलना होता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के वेतन में संशोधन करने का अधिकार किसके पास होता है? तो वह भारतीय संसद के पास होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है अपना कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो वह 6 वर्ष का होता है। भारत के आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत के आज़ादी के समय 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी। पौधों का विकास सबसे अधिक कब हुआ था? पौधों का विकास सबसे अधिक कब हुआ था? तो वर्षा ऋतु में हुआ था, वर्षा ऋतु में हुआ था। अगला प्रश्न, संगमरमर का सूत्र क्या होता है? संगमरमर का जो सूत्र है वह होता है CaCO3 होता है। फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है? फुटबॉल में कौन सी हाइड्रोजन गैस भरी जाती है? हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न, सतीश धवन रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? यह श्रीहरिकोटा में स्थित है। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा मैमल किस मछली में पाया जाता है? सबसे बड़ा जो मैमल है वह किस मछली में पाया जाता है? तो वह व्हेल मछली में पाया जाता है। अगला प्रश्न, कंगारू का बच्चा किस प्रकार जन्म लेता है? तो कंगारू का जो बच्चा होता है वह अर्ध विकसित ही जन्म ले लेता है। नेक्स्ट, बांग्लादेश में कौन सी मुद्रा का चलन है? बांग्लादेश में कौन सी टका मुद्रा चलती है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? तो वह होता है 98.68 फ़ारेनहाइट होता है मनुष्य का सामान्य तापमान। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय रेलवे संग्रहालय कहाँ पर है? तो वह नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न, रेलवे पहिया और धुरी का कारखाना कहाँ पर है? तो वह बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय डाकघर को कितने जोनों में बांटा गया है? भारतीय डाकघरों को टोटल 8 जोनों में बांटा गया है। अगला प्रश्न, सिख धर्म की स्थापना किस गुरु के द्वारा की गई थी? सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किस गुरु ने की थी? गुरुमुखी की जो लिपि है इसकी शुरुआत गुरु अंगद देव जी ने की थी। अगला प्रश्न है, अमृतसर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अमृतसर नगर की स्थापना गुरु रामदास के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, आदि ग्रंथ का संकलन किसके द्वारा किया गया था? आदि ग्रंथ का जो संकलन है वह गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा किया गया था। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। अगला प्रश्न, अकाल तख्त की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अकाल तख्त की जो स्थापना है गुरु हरगोविंद के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी।
अगला प्रश्न, नेशनल डिफेंस एकेडमी किस शहर में स्थित है? नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर है? तो भाई खाडर बासला में स्थित है। अगला प्रश्न, नेशनल डिफेंस कॉलेज किस शहर में स्थित है? तो भाई नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है अपना, इंडियन मिलिट्री एकेडमी किस शहर में स्थित है? तो वह देहरादून शहर में स्थित है। अगला प्रश्न, एयरफोर्स एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो वह हैदराबाद शहर में स्थित है एयरफोर्स एकेडमी। अगला प्रश्न यहाँ पर है, इंडियन नेवल एकेडमी किस शहर में है? यह कोचीन शहर में है इंडियन नेवल एकेडमी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का यह वीडियो होता है यहीं पे समाप्त। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।